और इनके दिलों में मैंने देखा है कि देश के प्रति एक जज्बा है, सिस्टम के प्रति एक दोष है, और इस सिस्टम को बदलने के लिए ऐसे नौजवान साथियों को आगे आना बहुत जरूरी है। तो सभी हमें गांव में जाते तो ये बोलते हैं आप बस आगे बढ़ो, हम साथ हैं। आप पर ये परिवार देश की सेवा के लिए निकला है, पार्टी इनकी हमारी है, और यही आशा करती है कि ये परिवार इसी तरह सेवा करते हुए पार्टी का झंडा बुलंद रखेगा। भाई संदीप मलिक है, युवा है, पूरा बरोदा हल्का, पूरे बरोदे हल्के की युवा शक्ति भाई के साथ, बुढ़ों का आशीर्वाद है। आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा आज बरोदा विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है और स्वागत करने के लिए तमाम लोग यहां पे मौजूद हैं। संदीप मलिक हैं, बरोदा के प्रभारी हैं, बरोदा के जो प्रभारी हैं हमारे पंजाब से यहां पे पहुंचे हैं। कैसा नजारा है, बदलाव यात्रा बरोदा में एंटर हो चुकी है, काफी दिन से आप बरोदा में मेहनत कर रहे हो। सबसे पहले आप प्रेस वाले साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हरियाणा की पवित्र धरती को भ्रष्टाचार मुक्त, प्रदूषण मुक्त, और जो आज देश में एक अराजकता का माहौल चल रहा है उसको दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा चल रही है। आज गांव बरोदा में इस पावन धरती पर हमारे जो हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद भी हैं, वो एक बहुत बड़े साथियों का, इनकलाबी साथियों का जत्था लेके आ रहे हैं। यहाँ संदीप मलिक और अन्य जो साथीगण हमारे लोग हैं वो सभी लोग यहाँ इकट्ठा होकर उनका स्वागत करेंगे। और अपने मैं ये वक्तव्य ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा बदलाव की तरफ अक्सर है और हरियाणा बदल के रहेगा। आज हरियाणा को जरूरत है बदलाव की, क्योंकि हरियाणा ने हमेशा देश की सेवा की है, आज जरूरत है हरियाणा की धरती की सेवा हम लोग मिलकर करें। मैं पंजाब से भले ही आया हूँ पर हरियाणा के साथ प्यार है, क्योंकि पंजाब बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है, और ये प्यार को हम आगे बढ़ाते हुए इसको आगे लेके जाएंगे। संदीप है, युवा है, मेहनत कर रहे हैं बरोदा में, किस तरह से कितना ताकत लग रही है यहाँ पे? संदीप मलिक जैसे और नवीन कौर जैसे जाने आने अजमेर जी हैं, ये सभी साथी बहुत प्यारे और अच्छे हैं, और इनके दिलों में मैंने देखा है कि देश के प्रति एक जज्बा है, सिस्टम के प्रति एक दोष है, और इस सिस्टम को बदलने के लिए ऐसे नौजवान साथियों को आगे आना बहुत जरूरी है। और पार्टी भी यही चाहती है कि ये साथी मेहनत करें और पार्टी को ये विधानसभा जीत के पार्टी की झोली में डाले, ताकि यहाँ पे बदलाव आ सके और समाज में एक नई क्रांति की जरूरत। संदीप कितना जोश है, बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो गया बरोदा में, पहली बार ऐसा हो रहा है, वरना बहुत बड़ी बड़ी रैलियां भी हुई हैं, आदमी नहीं जुटा पाते लोग। ये आप खुद देख सकते हो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों में, युवाओं में, सब में बड़ा जोश है। सभी हमें गांव में जाते तो ये बोलते हैं आप बस आगे बढ़ो, हम साथ हैं। आम आदमी पार्टी की विचारधारा को हर कोई पसंद कर रहा है, गाँव गाँव में, गली गली में। मतलब एक बड़ी बात है भाई, यहाँ पे तो दोनों आप हस्बैंड वाइफ खड़े हो, पति पत्नी खड़े हो, मतलब होता है परिवार में भाई एक सेवा करेगा एक नहीं करेगा, है चेयरमैन साहब, बड़ी खूबसूरत जोड़ी हो रही है कि दोनों ही सेवा में उतरे राजनीति से। मैं इस परिवार का आभारी हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि परिवार से एक आदमी अगर राजनीति में जाता है तो खासतौर पर हमारे परिवार में देखने को मिलता है कि जो घर की गृहणी होती है वो रोकती है कि कौन से काम में पड़ गए, पर ये परिवार देश की सेवा के लिए निकला है, पार्टी इनकी हमारी है, और यही आशा करती है कि ये परिवार इसी तरह सेवा करते हुए पार्टी का झंडा बुलंद रखेगा। होना कितना जोश है जी, जोश तो आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ के लोगों में, यहाँ के लोकल लोगों में इतना जोश है, बरोदा हल्के के लोगों में, बरोदा के गाँव के लोगों में बहुत जोश है बदलाव यात्रा को लेकर, और डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के स्वागत के लिए सब लोग खड़े हैं। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का भी स्वागत होगा और यात्रा भी चलेगी, क्या नाम आपका? रामचंद्र जी। यात्रा का कुछ है? बहुत ज्यादा मोल है, बहुत जबरदस्त है। एक मौका केजरीवाल ने दे दो? हम दो खास बात, सरकार बदलने सोच रहे हैं। है जी कुछ नजारा? है दम है कि नहीं? दम है, हमें अच्छा दम है। संदीप भाई बड़ा जोश हो रहा लोगों में, कह रहे हैं कि बदलनी है सरकार। बिल्कुल जी बिल्कुल, बात क्या है कि लोग त्रस्त हैं इन बीजेपी से, कांग्रेस से। सोचने वाली बात है कि लोग कांग्रेस को और बीजेपी को वोट क्यों दें, जो काम इनसे 56 साल में नहीं हुआ आम आदमी पार्टी की सरकार ने मात्र 10 साल में दिल्ली में अगर करके दिखाया है तो इससे साफ जाहिर होता है कि इन लोगों की नीयत नहीं है। और अभी ये ऐसा 2024 से लेकर 29 में अगर इनको वोट दी तो ऐसा क्या कर देंगे जो इनसे पिछले 56 साल में नहीं हुआ। संदीप भाई वैसे एक बात, आप जहाज खड़े हो ना वो गढ़ कहा जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, बीजेपी ने बाई इलेक्शन में पूरी ताकत लगा दी थी जब भी नहीं जीत पाए थे, आपने तो बहुत बड़ा चैलेंज ले लिया है। इस बार जो ये बोलते हैं कि ये बरोदा उनका गढ़ है, गढ़ होता है आम जनता का, और इस बार आम जनता उनको जवाब देगी। और जो ये बोलते हैं गढ़ है वो आपको याद होगा 1,65,000 वोटों से भी हारे हैं, तो
जनता का गढ़ होता है और इस बार जनता चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी के। क्या कह रहे हैं भाई? संदीप मलिक है, युवा है पूरा बड़ौदा हल्का, पूरे बड़ौदा हल्के की युवा शक्ति भाई के साथ है। बुढ़ों का आशीर्वाद है, इतना विकास कर देंगे बड़ौदा हल्के में, इतना विकास कर देंगे कि बड़ौदा हल्का आम आदमी पार्टी का गढ़ हो जाएगा, संदीप मलिक का गढ़ हो जाएगा। युवा साथियों कितना जोश संदीप के नाम का, भाई साहब जो संदीप भाई का जो भाईचारा है और जो इनकी बोलने की वो है, भाई हमें भाई की तरह रखते हैं, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम अलग है। मतलब उम्मीद है आगे अगर संदीप आगे बढ़े तो आप लोगों का भला होगा। भाई साहब संदीप भाई आगे नहीं बढ़ रहे, हम आगे बढ़ रहे हैं भाई साहब। क्या बात, अंकल जी क्या नाम है? मेरा डॉक्टर रवि मलिक, संदीप का पापा। अच्छा आप संदीप के पापा है, यहाँ पूरा परिवार। अंकल जी आपने तो बेटा भी इस लाइन में और पुत्र तो इस लाइन में, तो अभी नहीं कहा है सब कुछ आपने, तो यही आप खुश हो ये? अच्छा मतलब नए भारत का निर्माण करेंगे? बिल्कुल, बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया। क्या बात है, कैसा लग रहा है यात्रा में? है दम बहुत ज्यादा दम भाई साहब, संदीप भाई के साथ दिल से और तन से मन से धन से।